गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो टॉपिक है वो पार्ट टू है फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का। इसमें फोर्स आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, सेकंड पार्ट में प्रेशर है। क्लास 7th में आपने ये वर्ड पढ़ा होगा दैट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और ड्यूरिंग अ साइक्लोन द विंड ब्लू अवे इवन द रूफ टॉप्स। यानी कि विंड जो है वो रूफ टॉप्स के ऊपर काफ़ी तेज़ी के साथ चलती है जब भी कोई स्टॉर्म या साइक्लोन आता है। आपने ये भी पढ़ा था कि विंड एंड साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर। हवा के प्रेशर के दबाव के डिफरेंस के कारण जो है वो विंड और साइक्लोन डेवलप होती है। या आपने ये भी देखा होगा कि उसमें कुछ रिलेशन है प्रेशर और फोर्स में। तो ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या दोनों में रिलेशन है। अगर रिलेशन देखें तो क्या है कि प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। किसी भी सरफेस पे लगने वाला, किसी यूनिट एरिया, किसी भी एरिया में लगने वाला जो फोर्स है उसे क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई पॉइंटेड नील लेते हैं तो वो आसानी से वुड के अंदर चली जाती है अगर आप उस पे हथौड़े से उसको ठोकते हैं तो। अगर वो पॉइंटेड नहीं है तो वो नहीं जाती है। तो उस स्टेज में आप ये देखते हैं कि अगर अंडरस्टैंड करना है अगर आपको प्रेशर को, तो आप ये कह सकते हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ एनी सरफेस इट इज़ कॉल्ड द प्रेशर। सो अगर ये फील करें आप, कि किसी भी एग्जांपल के लेते हैं तो आप ये देख लीजिए कि नील का सबसे मेन एग्जांपल है दैट इफ़ द एरिया इज़ स्मॉलर। नील में आपने देखा होगा कि जो भी आपकी कील होती है उसका आगे का जो पॉइंटेड एरिया है वो काफ़ी छोटा होता है। तो इस बहुत ज़्यादा स्मॉलर या बहुत ज़्यादा छोटा एरिया होने की वजह से उस पर जब हथौड़े से उसको ठोकते हैं किसी भी लकड़ी के ऊपर तो वो काफ़ी फोर्सफुली अंदर एंटर कर जाता है वुड के अंदर। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो सोल्जर्स हैं उनमें जो बैग्स का स्ट्रिप्स होती है काफ़ी चौड़ी होती है। क्यों? क्योंकि भारी बैग जो है अगर आप पतले स्ट्रिप्स का रखेंगे तो उसमें प्रेशर ज़्यादा लगेगा और अगर प्रेशर ज़्यादा लगता है तो उसके टूटने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए उसको ब्रॉड यानी कि काफ़ी चौड़ा बैग का जो पट्टा है वो काफ़ी चौड़ा किया जाता है। ये एक पिक्चर है जिसमें आपको नील दिखाया है, पॉइंटेड नील है और साथ में बहुत सारे नाइफ हैं। नाइफ का भी एग्जांपल है कि जितनी ज़्यादा धार वाली चाकू आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ही शार्प नाइफ से आपकी वेजिटेबल्स फ्रूट्स अगर आप कट करते हैं तो बहुत शार्पली कटता है, उसमें आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है। लेकिन अगर वो शार्प नहीं होता है तो क्या होता है? आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो ये डेली लाइफ में आप लोग प्रेशर को देख सकते हैं। या इसी तरीके से बलून का भी एक प्रेशर है कि अगर आप गुब्बारे में अगर आपने एयर को ज़्यादा रख लिया या वाटर को रख लिया तो आप जिस तरफ से उसको दबाएंगे दूसरी तरफ प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा और लिक्विड उस तरफ चला जाएगा। यहाँ भी देखो एक एग्जांपल है, ये एक शार्प एंड का एग्जांपल है कि एक शार्प एंड वाला स्क्रू ड्राइवर है जिससे आप कोई भी चीज़ को आसानी से अगर आपको उसको टाइट करना है तो आप कर सकते हैं। या ब्रॉडर स्ट्रिप्स है किसकी बैक की जो कि प्रेशर को कम लगाती है जिससे कि इसके टूटने के चांसेस नहीं होते हैं। लिक्विड और गैस में भी प्रेशर लगता है। लिक्विड जो है एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। लिक्विड का अगर किसी भी कंटेनर में लिक्विड है तो उस लिक्विड में जो प्रेशर कहाँ जनरेट होगा? उसके वॉल में होगा। इट एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, बॉटम पर होगा और साइड की वॉल पे होगा, अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम जहाँ तक उसमें लिक्विड भरा हुआ है। इसी तरीके से साइड वॉल्स पर भी प्रेशर जनरेट होगा। अगर कहीं से भी कंटेनर जरा सा भी फट जाए या चिटक जाए या टूट जाए तो वो लिक्विड बाहर आ जाता है क्योंकि प्रेशर किस पर है? उसकी वॉल पर है। इसी तरीके से गैस में भी वॉल पर ही प्रेशर लगता है, उसकी कंटेनर की वॉल पर प्रेशर रहता है। तो इसमें देखो एक पिक्चर दी हुई है जिसमें वॉल पर, बॉटम पर, रबर की बॉटम पर आपके प्रेशर जनरेट करता हुआ है। तो अगर लिक्विड करें तो इट एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, और अगर गैस करें तो वो भी उसके साइड के वॉल पे भी
जो है जनरेट करता है। आपकी बुक में एक एग्जांपल है 11.16 एग्जांपल है, जिसमें लिक्विड है एक कंटेनर में और उसमें जो है एक टेबल पे रखा हुआ है, और अगर साइड से उसमें होल्ड कर दें तो सारा लिक्विड का प्रेशर, क्योंकि वॉल पे है तो वो बाहर निकलने लगता है, जो इस पिक्चर में आपको फोर्थ पिक्चर में दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से प्रेशर जनरेट होता है। या देखो एक साइकिल की ट्यूब है, ट्यूब टायर है, उसमें आपने देखा होगा कि हाँ पैरों से मार के जो है साइकिल में हवा भरी जाती है, गुब्बारे में डाली जाती है, या इसी तरीके से जनरेट करने के लिए जो है जो पानी में तैरने वाले लोग होते हैं, क्योंकि पानी में डूब ना जाए इसके लिए हवा भरे हुए वो काफ़ी बड़े बड़े जो है वो रैकेट्स होते हैं, गुब्बारे टाइप के होते हैं जिसमें गैस भरी होती है, प्रेशर जनरेट होता है जिसके सहारे वो बड़े बड़े पानियों के धाराओं को या नदियों को उसको पार कर ले जाते हैं। कभी अगर आप स्टीमर वगैरह में बैठे हैं तो इस तरह का, जो ये ब्लू कलर का पिक्चर दिख रहा है इसमें आप देखिए, तो इस तरह के काफ़ी किनारे किनारे रबर के टायर के तरीके से काफ़ी बड़े आपको जहाज़ में या पानी के जहाज़ में या स्टीमर में लगे होते हैं। यदि डूबने लगे तो इसको गले में पहन लिया जाए, तो इसमें क्योंकि हवा होती है तो हवा हल्की होती है, पानी में ऊपर जाती है, प्रेशर ऊपर को देती है, तो क्या होगा कि आप आराम से पानी पर तैर के चले जाएंगे। या इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई आप सेमी स्फीयर ले लें और दोनों तरफ आप हॉर्सेस को खड़ा कर दें, तो उस तरीके से जब आप प्रेशर को खींचते हैं तो जिधर ज़्यादा प्रेशर लगेगा उधर ही वॉल वो टूटकर निकल जाएगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक तरह का प्रेशर है जो कि एयर के थ्रू लगता है जो हमारे आसपास है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर। जितनी हवा होगी, हवा हल्की है तो ऊपर को जाएगी, हवा भारी है तो नीचे को दबाव पड़ेगा। तो इस तरीके से उसमें अगर आप देखें तो जो एयर है वो आप जो प्रेशर जनरेट होता है वो इनसाइड द बॉडी है इज़ आल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर है उसके बिल्कुल बराबर है। अगर आप कंटेनर सिर के ऊपर रखते हैं तो उतना ही प्रेशर आपको महसूस होता है जितना कि प्रेशर उसमें आप लिक्विड डालेंगे। अगर लिक्विड कम होगा तो सिर के ऊपर प्रेशर कम महसूस होगा, अगर आप उसमें लिक्विड ज़्यादा फिल कर देंगे तो आपको आपके हेड पर प्रेशर जो है वो कम महसूस होगा। ज़्यादा और कम होता है कितनी क्वांटिटी में आपने उसको फिल किया है। इस तरह का ये यूनिट एरिया है या कंटेनर है, इस कंटेनर के थ्रू आप एटमॉस्फेयर पर इसको देख सकते हैं। ये एक तरह के आप देखिए पफ बॉल टाइप का है जो कि एक रबर का जो है वो स्टिकर टाइप का सकर है। ज़्यादातर जो है आपने देखा होगा स्पीकर वगैरह में या कान में जो आप लगाते हैं, आपका ईयरफोन होता है, माइक होता है, उसके अंदर ये बफर की तरह होता है कि जो साउंड बहुत तेज़ी के साथ जा रही है उसका प्रेशर थोड़ा कम हो जाए। अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो आपके कान के अंदर के ईयर ड्रम को ये डैमेज नहीं करेगा, तो इसको भी लगाया जाता है पफ बॉल के तरीके से इसको लगाते हैं। शॉकर है ये, या इसी तरीके से ये आप हॉर्सेस वाला एग्जांपल भी आपकी बुक में है। इतना ही सिर्फ प्रेशर में है आपका। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।